दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की पांच ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनमें लोगों ने आज तक आसमान में कुछ ऐसा अपने कैमरे में कैद कर लिया जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नंबर एक, रिंग इन स्काई। साल 2016 में इसराइल के आसमान में एक ऐसी घटनाओं को देखा गया जिसे वहां रहने वाले लोग शायद ही कभी भूल पाए, क्योंकि आसमान में बादलों का आकार एक विशाल गोलाकार आकार बादलों में बदल गया था, जैसे मानो आकाश में आग लग गई हो और उसकी धुएं की वजह से ऐसी आकृति बन गई हो जो कुछ ही समय तक बादलों में देखा फिर पूरी तरह से गायब हो गया। वहां की गवर्नमेंट भी इस घटना के होने के कारण जानने के लिए जुट गए थे पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। नंबर दो, स्ट्रेंज लाइट। ये अजीब लाइट 2014 में एक आदमी रिकॉर्ड कर गई थी। उस व्यक्ति का कहना था कि ये लाइट दाएं से बाएं की ओर जा रही थी, जो दिखने में काफी सुंदर तो थी लेकिन कुछ हद तक डराने वाली थी। वहां के लोगों का मानना है कि ये दूसरी दुनिया से आई एलियन UFO थी। वही कुछ लोग इसे अंतरिक्ष से गिरने वाली उल्का पिंड मान रहे थे। हालांकि ये सच में है क्या, इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। नंबर तीन, मामदस क्लोट। ये एक ऐसा घटना हुआ है कि लोग काफी बार अलग अलग देशों में इसे लोग कैमरे में कैद कर लिया है, जिससे आसमान से अजीब तरह के बादल बन जाते हैं, जैसे मानो के मशरूम उल्टे लटक रहा हो, जो ज्यादातर सामने के समय में दिखाई देती हो। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि बादलों में ऐसा बनने का कारण क्या हो सकता है। हालांकि इस तरह के बादल काफी समय बाद एक बार दिखाई देती हो। नंबर चार, डेविल क्लाउड। ये घटना 2017 में ब्राजील के शेयर टाइज एरिया में दिखा था। आसमान से लाल रंग का बादल जमीन के ओर आ रहा था, जिस वजह से उस शहर का लोग हिस्सा लाल रंग में बदल गया, लेकिन वो बादल सिर्फ 5 मिनट में वहां से अचानक गायब हो गया था और तो और वहां के लोगों को काफी हद तक डरा दिया था। नंबर पांच, स्काई क्रेचर। चाइना के बेंजिंग शहर में तूफान आने के तुरंत बाद लोगों को अचानक से एक क्रेचर दिखाई दिया जो काफी ज्यादा विशाल था, जिसके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि ये एक फेक वीडियो है जैसे किसी ने मजाक के रूप में बनाया गया था। वही कुछ लोग इसे सच मानते भी है और उनको ये भी मानना था कि उस दानव के वजह से ही शहर में अचानक से तूफान आया था। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ना भूलना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।